घूसखोरों पर हरियाणा सरकार की पैनी नजर है, लेकिन फिर भी कुछ सरकारी मुलाजिम मुजरिम बनने में देर नहीं लगा रहे। मजाल है हरियाणा में घूसखोर अधिकारी और कर्मचारियों में सरकार का थोड़ा भी खौफ देखने को मिल रहा हो। आप कैथल में ही देख लीजिए, जहां विजिलेंस विभाग में पंडूरी चौक के एएसआई नरेंद्र कुमार को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, एएसआई द्वारा पैसे के लेन देन के मामले में कार्रवाई करने के एवज में 1,00,000 रुपए की मांग की जा रही थी, और शिकायत दिए जाने पर अंबाला विजिलेंस विभाग की टीम ने वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर एएसआई नरेंद्र को पुंडरी पुलिस चौकी से गिरफ्तार किया। मामला था क्या, हमारे पास जमेल सिंह सनत फुलाराम वासी पाई ने एक कंप्लेंट दी थी कि भाई मेरे मैंने किसी से मतलब 6,73,000 रुपये जो लेने थे, जिसके संबंध में मैंने पहले चौकी में दरख्वास्त दी थी पुंडरी में, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पुलिस अधीक्षक के कैथल में एक कंप्लेंट फिर दी, उसके बाद भी कार्रवाई न होने पर बार बार मैं अपने एएसए नरेंद्र है जो मेरा आईओ है, जो मैं उसके पास जाता रहा, और उसने फिर मतलब मेरे काम की एवज में मतलब 1,00,000 रुपये की डिमांड की, जो डिमांड करने पर ही इसने मतलब जो फिर भी उसके बाद यू काम करता रहा, फिर इस पर किसी प्रकार का कोई मतलब कि इसके नरेंद्र को इसके कुछ डाउट होने की वजह से जो आज इसने पैसे तो लिए नहीं, लेकिन डिमांड के ऊपर नरेंद्र सिंह को आज गिरफ्तार किया है और कल को इसको अदालत में पेश किया जाएगा। सर, कहाँ से आरोपी को पकड़ा गया है? आरोपी को फतेहपुर कुंडी चौकी से। तो कितने पैसे लेते हुए पकड़ा गया सर? ये ऐसा है, अभी पैसे इसने नहीं लिए, लेकिन जो डिमांड हमारे पास थी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जो हमारे पेश करी थी, रिकॉर्डिंग हमारे पास कब्जे में है, तो जिसके एवज में फिर गिरफ्तार किया है। दरअसल पाई के रहने वाले चमेल ने विजिलेंस विभाग को शिकायत देकर बताया था कि उसे किसी से 67,03,000 रुपए लेने थे, जिस संदर्भ में पुलिस को शिकायत दी गई थी और कार्रवाई न होने पर कैथल के पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई गई थी। कार्रवाई करने के एवज में 1,00,000 की मांग की जा रही थी, और वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर विजिलेंस विभाग ने आरोपी एसआई नरेंद्र को पुंडरी चौकी से गिरफ्तार कर लिया। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।